और आई पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दूसरा आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। 24 जून को ग्राम दत्तीपुर उगापुर थाना और आई क्षेत्र के बने कृषि अनुसंधान केंद्र के उत्तरी और नहर के पास साबिर नाम के व्यक्ति की गला रेत कर निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दिया गया था। हत्या के मुख्य आरोपी सौदागर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा आरोपी इरफान पुत्र स्वर्गीय उस्मान निवासी काशीपुर थाना और जनपद भदोई उसी दिन से फरार चल रहा था। लेकिन औराई थाने में तैनात थाना प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह की अगुवाई में आज सुबह खमरिया मोड़ पर तकरीबन 10:15 पर गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी के मुताबिक मृतक साबिर के बड़े भाई कासिम और सौदागर के बड़े भाई अमजद के बीच एक माह पूर्व बच्चों की किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें अमजद को मामूली चोट लगी थी। इसी बात की रंजिश को लेकर दिनांक 24 जून 2021 को रात में सौदागर पुत्र स्वर्गीय अकबर अली निवासी गमहापुर थाना और जनपद भदोई के साथ मिलकर कासिम के भाई साबिर को शराब पिलाने की लालच देकर सिंह दरबार ढाबा पूर्व नियोजित साजिश के तहत शराब की भट्टी पर शराब पिलाकर सौदागर ने अपनी मोटरसाइकिल से लेकर घूमने लगे और मौके का इंतज़ार करने लगे। अंत में उन्होंने चोरी के पहले मनिकपुर मोड़ से उगापुर आने वाली सड़क पर रास्ता पकड़ लिया था। जैसे ही अपराधी दत्तीपुर से आगे बढ़े इलाका काफ़ी सुनसान था। जैसे ही उनको नहर दिखा फिर क्या था, उनको अपने बनाए हुए योजना के अनुसार अवसर मिल गया। रात का पहर था, बारिश का मौसम था और हथियारों के मन मुताबिक जगह भी थी। गिरफ्तार आरोपी के मुताबिक पेशाब करने के बहाने बाइक नहर के पास रोक दी जाती है। जब मृतक साबिर पेशाब कर रहा था तभी मौके का फ़ायदा उठाकर सौदागर ने पीछे से बड़ी निर्दयता से साबिर का गला रेत दिया। फिर क्या था, आरोपी ने भी चाकू उठाया और उसके पेट में चाकू प्राणघातक हमला कर दिया और जब साबिर की मौत हो गई तो साबिर की लाश को वहीं पानी में लबलबल खेत में साबिर की लाश को फेंक दिया और दोनों वहां से भाग निकले। गिरफ्तार करने वाली टीम और आई थाना प्रभारी सदानंद सिंह, उप निरीक्षक वीरेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल ललन सिंह, शिवाजी सिंह शेराफुल हसन, गौरव मिश्रा, दुर्गेश सिंह ने बड़ी मुस्तैदी के साथ दूसरे आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक भदोई श्री राम बदन सिंह ने गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा किया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रफीक खान की खास रिपोर्ट। दूसरा आरोपी पकड़ा गया, कब पकड़ा गया? आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और
पंथी सर्विसर मॉडल के मार्गदर्शन में अभी दूसरे दिन गठित की गई थी, जिसमें हमारे सत्ता साहब राहुल आई, हमारे दरोगा विरेंद्र यादव, ललन यादव, आपके मखल आंदी थी, तो एक टीम लगी हुई थी। तो आज उसका जो दूसरा आरोपी था इरफान, जो दो दिन से उसकी तलाश की जा रही थी लगातार, खास खबरिया मोर्चे से गिरफ्तार किया गया सामने आ रहा है। जानकारी तो सारी सौदागर और इरफान ने दी है घटना के क्रम में सारी। सर जहाँ पर ये घटना हुआ था जगदीशपुर कृषि रक्षा केंद्र इकाई के पीछे माइनर के तरफ जहाँ वो घूम जाती है उस पर, वो काफ़ी शांत एरिया है और काफ़ी सुनसान इलाका है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन वहाँ ऐसी घटना होती है। पिछले वर्ष के दिसंबर महीने में वहाँ एक नवजात शिशु को मारकर फेंक दिया गया था। क्या पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ देना चाहिए? रात में पुलिस गश्त पर निकली? पुलिस का रूप निर्धारित है, पुलिस आवाज के बाद घटना जैसी हो रही है वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। लगातार इंस्पेक्टर मोर्चे से उनको विशेष किया गया, हल्का प्रभारी को भी और सेकंड मोबाइल को और रेगुलर अंतराल में 12 नहीं खाली उसी जगह पर, बाकी क्षेत्र के जितने भी सुनसान जगह पे हैं वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है।